हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमने आपको अभी दो एग्जांपल दिया। पहला एग्जांपल दिया कि हमें डुप्लीकेट को हाईलाइट करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें डुप्लीकेट में जो नंबर डबल टाइम है दोनों हाईलाइट होता है, मतलब ये पहली वाली हाईलाइट ना हो बाकी हाईलाइट हो। फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर मेरा डेटा अगर किसी अनदर डेटा शीट में या डेटा टेबल में एग्जिस्ट करता है तो हाईलाइट हो जाए। और तीसरा मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अकाउंट, मैं यहाँ अकाउंट नहीं एमआरपी देता हूँ, एमआरपी। बट यहाँ पे क्या है कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी टाइप करे तो नंबर टाइप करे। कोई कोई क्या होता है कि इसमें कि बहुत सारे लोग इस तरह से टाइप कर दे रहे हैं जिसका टोटलिंग करने में दिक्कत होता है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई इसमें कलर इसमें टेक्स्ट में डाल रखा है तो कलर हो जाए। सबसे पहले इस चीज को ढूंढना होगा। ये लिस्ट वाला कैसे किया था आपने? ये जो एक सिंपल लिस्ट सा हमने काउंट इफ लगा दिया था। हमने बोला कि A5 हमारे इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रिजल्ट है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, सेलेक्ट कर दो। ठीक है, ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हमारे पास एक नंबर है। मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी पर्सन टेक्स्ट में एंट्री ना कर सके। अगर कोई टेक्स्ट में एंट्री करता है वो हाईलाइट हो जाए। तो अब यहाँ पे इस चीज को समझना है कि नंबर है या टेक्स्ट है पता कैसे चलेगा। ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं। पहला हमारे पास है क्या बोलते हैं उसको, टाइप। टाइप फॉर्मूला बताता है इसका टाइप क्या हुआ, इट मींस नंबर, टेक्स्ट इज टू। उसके बाद एक और फॉर्मूला है हमारे पास सेल। सेल में हमने यहाँ पे टाइप को सिलेक्ट कर लिया और हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं वी, तो मतलब वैल्यू, वी फॉर वैल्यू। तीसरा फॉर्मूला जो कि सबसे अच्छा फॉर्मूला है वो है इज टेक्स्ट। अब इज टेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स में देगा और हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी ट्रू एंड फॉल्स पे चलता है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और यहां पे इज टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट ओपन, और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहां से डॉलर साइन को हटा दिया कीजिएगा। फिर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया एंड ओके एंड ओके। अब यहां पे कोई भी टेक्स्ट दे देगा तो उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है सर, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल था।